आते जी, गुड मॉर्निंग। अपना स्क्रीन पे नाम करेक्ट कर लीजिए, राधिका के नाम से आ रहा है। ओके, मैं ओके ठीक कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ, डोंट वरी। ओके फाइन फाइन। ओके, सो इट्स 8 नाउ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। So we have just a minute, let me introduce you first, but उससे पहले भाती जी अपना वीडियो थोड़ा सा वो कर लीजिए, बिकॉज जो पैर नहीं आ रहे हैं इसमें। हाँ लीजिए, जो क्वेश्चन आप कराना चाहें उससे कंफर्टेबली। हाँ, थोड़ा पैर वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जस्ट थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे नीचे। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ लैपटॉप, थोड़ा सा पीछे हो इट्स नॉट अ जाइएगा। लैपटॉप। या कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, आवाज आपकी एक बार बोल के बताएं। इज इट ओके नाउ? यस यस, हाँ आवाज सही है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अभी भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे शिफाली नागपाल जी हैं, डायरेक्टर जो एचआरडीसी की हैं, जिन्होंने कोर्स भी किया था, आपको ध्यान हो तो, हमारे साथ। हाँ, एंड वो आपको वेलकम कर रहे हैं, और वी विल स्टार्ट नाउ, राइट? ओवर टू यू फॉर 20 मिनट्स, प्लीज। थैंक यू। So, good morning, all of you. Namaskar, Suprabhat. एक बार आंखें बंद करते हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते शरीर को ढीला छोड़ दें, आराम से सुखासन में बैठ जाएं। सुबह का समय है, प्रसन्न चित्त होकर बैठे, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दें। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास भरे। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में आ जाए, और जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन में ही बैठेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। अभी हम एक प्राणायाम करने वाले हैं जिसको बोलते हैं भस्त्रिका। आपने किया भी होगा पहले दो दिन। ढीली मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, बाइसेप्स साइड्स को टच करते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। एक बार देख लें, जब मैं बोलूंगी ब्रीद इन तो आप जोश के साथ सांस भरेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठियां खुल जाएंगी। जब मैं काउंट बोलूंगी वन तो आप जोश के साथ सांस छोड़ेंगे और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। चलिए अभी आंखें बंद करके
शुरू करते हैं। पोजीशंस ले लीजिए सब लोग। एक लंबा गहरा साधारण श्वास अंदर भरें और खाली कर दें। मुस्कुराते हुए एक और श्वास भरें और धीरे धीरे खाली कर दें, पूरी तरह खाली कर दें। अभी जोश में एक साथ करेंगे, ब्रीद इन वन, इन टू, इन थ्री, इन फोर, इन फाइव, in 12, in 13, in 14, in 15, and relax, विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें, हथेलियों अपनी घुटनों पर या अपनी गोद में आकाश की ओर खुली हुई रख दें और शरीर में हो रहे ऊर्जा के संचार को महसूस करें। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। जितना हो सके शरीर को स्थिर रखें। अभी हम भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा राउंड करेंगे। फिर से पोजीशंस बना लें, ढीली मुट्ठी बंद, कंधों के सामने, बाइसेप्स साइड्स को टच करते हुए, लूज नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, शरीर के साथ चिपका कर रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सिर भी सीधा। एक दिव्य मुस्कान के साथ साधारण श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। वन मोर डीप लॉन्ग ब्रेथ इन एंड विद अ स्माइल ब्रीद आउट कंप्लीटली। नाउ टुगेदर ब्रीद इन वन, इन टू, इन थ्री, in four, in ten, continue. विश्राम करें, हथेलियां घुटनों पर या जंघाओं पर आकाश की ओर खुली हुई रखते एंड फील द गश ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। शरीर के कण कण में हो रहे ऊर्जा के संचार को महसूस करें अपने भीतर। Keep breathing normally, साधारण श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। पूरा ध्यान अपने शरीर में। भस्त्रिका के तीसरे और अंतिम राउंड के लिए तैयार हो जाएं। ढीली मुट्ठी बंद,
कंधों के सामने, कोहनिया साइड्स को टच करते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सिर भी सीधा। मुस्कुराते हुए एक श्वास भरे और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दें। वन मोर डीप लॉन्ग नॉर्मल ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट कंप्लीटली। Forcefully together, breathe in. One, in, two. And relax, आंखें बंद रखें, हाथ को ढीला छोड़ दे, शरीर को ढीला छोड़ दे, keep your body still and feel the flow of energy in every cell of your body. अपने शरीर और अपने मन में हो रहे बदलाव को महसूस करते रहे हर पल। धीरे से अपनी आंखें खोले और जो लोग वज्रासन में बैठे हैं धीरे धीरे से सुखासन में आ जाए। बैठे बैठे ही अपने सारे जॉइंट्स को मूव करेंगे, जॉइंट्स की रोटेशन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा पहले हेड मसाज करते हैं। टेक योर हैंड ऑन द टॉप ऑफ योर हेड एंड जस्ट मसाज जेंटली, सर्कुलर मोशन। थोड़ा साइड में एंजॉय कीजिए, बी हैप्पी, प्रसन्न चित्त होकर। फोरहेड, थोड़ा आईब्रोज को सीधा कर दीजिए यूजिंग योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर्स। अभी अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने जो आईज के नीचे जहां डार्क सर्कल्स होते हैं वहां पर थोड़ा मसाज कीजिए। और अभी अंगूठे से आईज के ऊपर जेंटल मसाज, जस्ट लव योरसेल्फ। ओके, थोड़ा कानों को खींचेंगे नीचे से, pull them downwards, नीचे। अभी एक चिमटी बनाकर ऊपर ऊपर खींचेगा, pull them nicely। इससे पहले कोई और खींचे हमारे कान, हम खुद ही खींच ले। अभी बाहर की तरफ, अभी पूरा कान होल्ड करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे ऑपोजिट। ओके, रिलैक्स, थोड़ा मुंह को खोलेंगे।
अपनी जॉ लोअर जॉ को थोड़ा सा मूव करेंगे, रिलैक्स, सिट स्ट्रेट, गर्दन को सीधा रखेंगे, केवल आईज को मूव करेंगे राइट साइड टुवर्ड्स योर राइट एक्सट्रीम राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ऊपर नीचे और अभी क्लॉकवाइज आईज को तीन बार क्लॉकवाइज मूव करें एंड एंटी क्लॉकवाइज थ्री टाइम्स। अभी अपनी आंखों को जोर से बंद करेंगे, स्क्वीज योर आईज एंड वाइड ओपन, पूरी तरह खोलें, स्क्वीज ओपन स्क्वीज एंड ओपन एंड रिलैक्स। हमारा फर्स्ट जॉइंट है नेक जॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारा, सो लेट्स वर्क अपॉन दिस जॉइंट। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे और ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, पूरा ध्यान अपने शरीर की मूवमेंट्स पर रखें और शरीर की हर मूवमेंट को सांस के साथ बांध दें। ब्रीद इन, गो अप एंड बैक, ब्रीद आउट, चिन टू चेस्ट, थोड़ी को छाती से लगा, सांस भरे, गर्दन को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करें, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट, कंटिन्यू करें। अपनी हर एक मूवमेंट को सांस के साथ बांध दें और अपने मन को शरीर के पीछे लगा दें। कम टू द सेंटर, अभी अपनी गर्दन को राइट शोल्डर पे झुकाएंगे लेकिन शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है। Breathe in and as you breathe out, go to the left side. Breathe in, come up, right. Breathe in, breathe out, go to the left. Breathe in, come to the center. सांस भरे, एक बार फिर से गर्दन को पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे, चिन टू द चेस्ट और यहीं से क्लॉकवाइज हम अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे, रोटेट योर नेक जॉइंट, आधा सर्कल, सांस भरेंगे, आधा सर्कल सांस को छोड़ देंगे। शरीर, सांस और मन एक हो रहे हैं, यही योग है। विपरीत दिशा में करेंगे, बाई ओर से पीछे सांस भरते हुए, दाहिनी ओर से आगे और नीचे सांस छोड़ते हुए, थ्री राउंड्स।
मुस्कुराते रहे। And as you complete, just straighten your neck. Next is the shoulder joint. तो क्या करेंगे हम? Shoulders अपनी उंगलियों को shoulders पर रखेंगे, कोहनिया सामने की ओर, सांस भरते हुए ऊपर, give a nice stretch, सांस छोड़ते हुए वापस. Breathe in as you go up. Breathe out as you go down. Opposite. Breathe in. Go back. Pure shoulder blades ko ek saath kar de, dono blades ko. Give a nice stretch to your shoulder joint. Shoulder blades ko piche se milaye. Saans chhodte hue come back. सांस भरे, स्ट्रेच, रोटेट एंड रिलैक्स. नेक्स्ट इज एल्बो जॉइंट. सामने रखे हाथों को, सांस भरे, एल्बोज मूवमेंट के लिए उंगलियों को शोल्डर पर और सांस छोड़ते हुए वापस. साइडवेज करेंगे, नेक्स्ट इज द रिस्ट जॉइंट. ढीली मुट्ठी बनाएं और सांस के साथ रिस्ट जॉइंट को मूव करें. रोटेट योर रिस्ट जॉइंट. Breathe in and out, in and out, in and out. Opposite, in, out, in, out, in, out. 8:25. Okay, last. Stretch your fingers. Breathe in. And out, in and out, in and out, and relax. One last movement. Press up the hip joint or knee joint ko move karte hain. Apne pairon ko samne phaila le aur apni right leg ko fold kar le. Dono haathon se niche se pakad le. Bring your leg close to your chest. Saans bhare, seedha kar de, saans chhode, vaapas. Spine ko straight rakhe, reed ki haddi seedhi. Breathe in and out. And relax with the other leg. Breathe in and out, in and out, in and out, in and out. Relax. दोनों पांव को एक साथ फोल्ड करें, छाती के पास ले आए. In and out. And relax. Sukhasan mein aa jaye. Dono hatheliyan ghutnon par ya jangaon par aakash ki aur khuli hui. Aankhe band kar le. Aur shareer mein jo badlav hua hai, us par apna dhyan le jaye. Check the state of your mind. Keep breathing.
Yeah, over to Umesh Bhaiya now. Very good. Excellent. तो भारती जी हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत ही सीनियर टीचर हैं और वो ओपीजीएमएस में यहाँ पढ़ाती भी हैं और उनकी स्माइल एकदम कमाल की है, राइट? रेगुलर साधक हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की साधना करती हैं. स्माइल इज कंटेजियस, राइट? हम लोगों ने बहुत सीखा है उनसे, राइट? ओके, गुड. चलिए, थैंक यू भारती जी. थैंक यू. ओके, सब लोग खड़े हो जाएं. यस, खड़े हो जाएं सब लोग. वीडियो अपना ऑन रखेंगे अभी, बिकॉज आई नीड टू सी यू गैलरी व्यू में. लेट मी गो. ओके, वेरी गुड. चलिए, अब थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करें, जॉगिंग. बढ़िया से थोड़ा सा बढ़ाते जाएं स्पीड को. और बढ़ाते जाएं, पैरों को और ऊपर लेके आए. और जॉगिंग करते करते सर्कल में आ जाएं. सर्कल में करें जॉगिंग. दूसरी तरफ and relax. Okay. पूरी बॉडी को झाड़ दें अच्छे से. हाँ, राइट से ऊपर जो जो भी मन में नेगेटिविटी है उसे अभी फेंक दें. जो भी आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कल धूम धड़ाके किए हैं तो अपने शरीर से बाहर निकाल दे चेहरे पे स्माइल के साथ. वेरी गुड. एंड रिलैक्स. अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे. हाँ, तो जस्ट मेरे साथ आप देखते जाइए पोस्चर और करते जाइए. चाहे तो पहले राउंड के लिए आंखें खुली रख सकते हैं. जहां मैट पे है, मैट पे थोड़ा सा आगे आ जाएं. सांस भरते भरते दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा दें और सांस छोड़ते छोड़ते नमस्ते मुद्रा एक. जिन लोगों को हाई बीपी है और जिन लोगों को कोई कमर की दिक्कत है वो फ्रंट बेंड ना करें, बाकी सब कर सकते हैं. ओके, सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर उठा दे कमर को सीधा और सांस छोड़ते छोड़ते पीछे झुक जाएं. अपने गर्दन को दोनों बाजुओं के बीच में ही रखें, सांस लेते रहें छोड़ते रहें. पेल्विस को थोड़ा सा आगे ले आए और सांस छोड़ते छोड़ते कमर से हाथों को सीधा रखते हुए नीचे आ जाएं. दोनों अपने अंगूठों को टच करने की कोशिश करें, चाहे तो अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं. और जो लोग झुक सकते हैं वो एंकल को पीछे से पकड़ लें और सिर को अपने घुटने से लगा दें. सांस लेते रहें छोड़ते रहें. किसी भी मोमेंट पे सांस रोकना नहीं है, चलता रहेगा. सांस लेते लेते दाएं पैर पीछे, दाएं पैर पीछे ले जाएं और आगे से गर्दन को उठा दें. गहरी सांस लेते रहें छोड़ते रहें. और सांस छोड़ते छोड़ते पीछे वाला दोनों पैर, पूरी बॉडी ने स्ट्रेट लाइन दंडासन. यहां सांस लेते रहे छोड़ते रहे. सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आ जाए, केवल कोहला जमीन से ऊपर उठा हुआ
अष्टांग आसन, बाकी सारे पार्ट जमीन के लगे हुए, केवल कूला जमीन से ऊपर उठाओ। सांस भरते भरते भुजंग आसन, हाथों को अपनी उंगलियों को फैला लें और नाभि तक ऊपर उठ जाए। गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और यहीं से दोनों हाथों से ऊपर उठ जाएं और अपने दोनों पीछे पैरों को ले आएं, हील्स को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। अपने सिर को अपने दोनों हाथों के बीच में ही रखें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते भरते दाया पैर आगे और दोनों हाथों के बीच में रखे उसे। दूसरा पैर जमीन पे टिका हुआ, स्ट्रेच करें यहां से, स्ट्रेच योर पेल्विस। और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर आगे, सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। और सांस भरते भरते कमर से सीधे होके ऊपर जाए और सांस छोड़ते छोड़ते पीछे एंड साइड से रिलैक्स। अब दूसरी साइड से करेंगे। सांस भरे भरते भरते हाथ ऊपर और सांस छोड़ते छोड़ते नमस्ते मुद्रा वन। सांस भरे और दोनों हाथों को पीछे ले जाए सांस छोड़ते छोड़ते आगे फॉरवर्ड बैंड। सांस भरते भरते बायां पैर पीछे हरी पोजीशन में, पांच से छह गहरी सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर पीछे, बॉडी में स्ट्रेट लाइन, दंड आसन। दंड माने एक डंडा, डंडा बिल्कुल सीधा होता है। फूलों को नीचे लेके आए, बिल्कुल सीधा रखें। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और सांस छोड़ते छोड़ते नीचे अपने पेल्विस को ऊपर उठा दें, बाकी सारा पोर्शन जमीन से लगा हुआ। अष्टांग नमस्कार। इस समय आपके शरीर के आठ अंग जमीन को छू रहे हैं लेकिन कूला ऊपर की तरफ है। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रिलैक्स, भुजंगासन, केवल नाभि तक ऊपर उठें, पीछे से पैरों को मिला के रखें, चेहरे पर स्माइल। If it is not smile, then it is not yoga. और सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर उठ जाए, दोनों हाथों से शरीर को ऊपर उठाते और अपने हील्स को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। आपका सिर दोनों हाथों के बीच में, अपनी छाती और थाइस को मिलाने की कोशिश करें, अपनी छाती को थाइस की तरफ खींचें। सांस भरते भरते बायां पैर आगे दोनों हाथों के बीच में, दायां पैर बिल्कुल स्ट्रेट जमीन से लगा हुआ,
गर्दन सीधी ऊपर की ओर उठी हुई सामने, गहरी सांस लेते रहें छोड़ते रहें। सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर एक साथ कंटिन्यू। और सांस भरते भरते कमर से सीधे रखते रखते बिल्कुल सीधा, एंड रिलैक्स। कर पाए सभी लोग? हाँ यस, जितना हो सके उतना ही करें। ये एक स्लो राउंड था, अभी हम थोड़ा सा फास्ट राउंड करते हैं। अपने हिसाब से करें, लिसन टू योर बॉडी, लेकिन आलस से बिल्कुल ना करें। राइट, स्टार्ट करें, रेज योर हैंड। ओके राइट, नमस्ते। एक दो हाथ पीछे, चार दाएं पैर पीछे, पांच दोनों पैर पीछे, बॉडी स्ट्रेट लाइन, छह अष्टांग नमस्कार, सात भुजंगासन, आठ अधोमुख श्वानासन, नौ दाया पैर आगे, दस दोनों पैर आगे, ग्यारह सांस भरते भरते ऊपर पीछे एंड साइड से रिलैक्स। नमस्ते, वन टू थ्री फोर बाएं पैर पीछे, फाइव दोनों पैर पीछे, सिक्स पूला नीचे पूला ऊपर, सॉरी बाकी सारे जमीन पर टच करते हुए भुजंगासन, सात आठ अधोमुख श्वानासन, नौ दूसरा पैर आगे, दस दोनों पैर आगे इकट्ठे, ग्यारह सांस भरते भरते ऊपर एंड श्वास छोड़ते भरते पीछे, बारह रिलैक्स। यस, कर पाए सभी? हाँ ओके वेरी गुड। चलिए तो यहीं से थोड़ी सी देर आंखें बंद कर लें, चेहरे पर मुस्कान, अपनी सांसों को देखते रहें और शरीर में हो रहे बदलावों पर ध्यान रखें। धीरे धीरे ओपन योर आईज और सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर ले आए, उंगलियों को इंटरलेस करें, डायरेक्शन चेंज करें, सांस भरते तो ऊपर उठ जाएं, अपने टोस पे आ जाएं, हील्स को ऊपर उठा दें, गहरा सांस लेना जारी रखें और छोड़ना जारी रखें। ब्रीद आउट, रिलैक्स, ब्रीद इन, ऊपर, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
breathe in, breathe out and relax. सांस अंदर लें और सांस छोड़ते छोड़ते दाईं तरफ झुक जाएं. सांस लेना जारी रखें. एंड रिलैक्स. जिन लोगों से उंगलियां इंटरलेस नहीं हो रही वो अपना हाथों की गंध बना के भी कर सकते हैं. सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट पे झुक जाएं. दोनों हाथ बिल्कुल सीधे. बॉडी में स्ट्रेट लाइन. नो फ्रंट और बैकवर्ड बेंडिंग. सांस भरते भरते बीच में एंड रिलैक्स. जहां पे है वहीं पे आराम से बैठ जाएं. अर्ध मत्स्येन्द्र आसन. अपने बाएं पैर को अपने से मोड़ लें और ये जो बायां हील है इसको राइट बटक की साइड में रखते हैं. राइट. और राइट जो लेग है इसको अपने लेफ्ट नी के ऊपर से ले लें. सो दैट ये एंकल है जो हाफ बाहर रहे और हाफ अंदर रहे लेफ्ट नी के. आप देख सकते हैं चाहे तो बॉडी ने स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा. दायां हाथ से सांस भरते भरते उठाएं और पीछे ले जाएं कमर को सपोर्ट करने के लिए. जिनको कमर की दिक्कत है ज्यादा वो थोड़ा सा या तो अवॉइड करें या ध्यान से करें. डोंट एक्सट्रीम बैक. लिसन टू योर बॉडी. सांस भरते भरते दूसरा हाथ ऊपर उठाएं और ये जो बायां हाथ है इसकी जो एल्बो है वो दाएं घुटने के आउटर पोर्शन पे टच करें और एंकल को छूने की कोशिश करें. जो लोग एंकल नहीं छू पा रहे हैं वो अपने बाएं एल्बो को नी पे रख दें और हाथ को ऐसे रख दें. ये तो कर ही सकते हैं. सो इजी. राइट. राइट जो आपका नी है उसके ऊपर आपकी बाई एल्बो है. हाथ सीधा. अब सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते दाई तरफ से पीछे मुड़ जाएं. गहरे सांस लेना जारी रखें और छोड़ना जारी रखें. दोनों बटक्स जमीन पे लगे हुए हैं. और सांस भरते भरते बीच में आ जाएं एंड सांस छोड़ छोड़ते रिलैक्स. सांस भरते भरते दाया हाथ ऊपर उठाएं और इसको भी नॉर्मल पोजीशन में लेके आए. रिलैक्स. फ्रॉम द अदर एंड अपने बाई लेग को क्रॉस कर लें दाई लेग के नीचे से और ये राइट हील है जो वो आपके बाएं बटक के साइड में आ जाए. और अब आपका ये लेफ्ट नी है इसको मोड़ लें और इसको अपने दाएं जो आपका घुटना है उसके साइड में ले जाएं क्रॉस करके. सो दैट हाफ ऑफ योर एंकल इज आउटसाइड द नी एंड हाफ ऑफ इट इज इनसाइड द नी. राइट. कमर सीधी. सांस भरते भरते बाया हाथ ऊपर उठाएं. सांस छोड़ते छोड़ते इसको पीछे लेके जाएं कमर को सपोर्ट करें एक कंबल की तरह. सांस भरते भरते दाया हाथ ऊपर उठाएं. सांस छोड़ते छोड़ते अपनी एल्बो को बाएं घुटने पे रख दें और उसे ऐसे सीधा रखें. जो लोग टच कर सकते हैं अपने एंकल को वो ऐसे एक लॉक बना के अपने एंकल को भी टच कर सकते हैं. इसमें आपका बाया एल्बो का आउटर साइड और लेफ्ट नी का आउटर साइड दोनों मिले हुए हैं. राइट. जैसे भी आपको लगता है वैसे करें. सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच कर रहे हैं. आपके कंधे दोनों एक ही पोजीशन है बिल्कुल सीधे.
दोनों बटक्स बिल्कुल जमीन पे लगे हुए, कमर पे ज्यादा जोर डालें, एंड फ्रंट पोर्शन जो एब्डोमिनल पोर्शन है इस पे स्ट्रेच महसूस करें। और सांस छोड़ते छोड़ते रिलैक्स करें, सांस भरते भरते दाएं हाथ ऊपर उठाएं और आराम से पीछे ले जाएं एंड रिलैक्स। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आंखें बंद करके इस आसन की एनर्जी को महसूस करते रहें। कोई कंपटीशन नहीं है, बस अपना 100% में जहां भी है वहीं पे आराम से अपने पेट के बल आ जाएं। लाई डाउन ऑन योर बैक, सॉरी लाई डाउन ऑन योर स्टमक। फ्रंट वाले आसन हम करेंगे। पीछे से पैरों को मिला लें, हाथों को साइड में रख लें और इन दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर रखें और इनको दोनों थाइस के नीचे दे दें, ग्रॉइंस के अंदर आप लगा दें। थोड़ी जमीन पे लगी हुई, सांस भरते भरते दोनों पैरों को ऊपर उठा दें, बिल्कुल सीध में सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। Enjoy the pose. और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैरों को नीचे ले आए, रिलैक्स करें। दाईं तरफ से करवट लेके दाईं तरफ ऐसे बैठ जाएं, अपने सिर को थोड़ा सा उठा दें और दाएं हाथ का जो हथेलियां है उससे उसको विश्राम दें। बॉडी इन स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, आपका सिर, आपका छाती, पेल्विस और आपके पैर बिल्कुल एक ही लाइन। दिस इज विष्णु पोज। विष्णु भगवान आपने देखे होंगे इस पोजिशन में बैठे हुए। वेरी गुड, सांस भरते भरते अपने बाएं पैर को ऊपर उठा दें और ये जो हील है उसे अपने जो आपकी थाई का स्टार्टिंग है वहां पे रखें और टोज जो है वो लेफ्ट को बाहर की तरफ मुड़े हुए देख सकते हैं चैनल। अपना हाथ जो है जो लेफ्ट हैंड है उसे लेफ्ट नीचे रखें, तो चाहे तो थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा दबा सकते हैं। अब सांस भरते भरते दायां पैर को बिल्कुल सीधा करके ऊपर उठा दें, राज विश्राम आसन। दायां पैर बिल्कुल सीधा मुड़ा नहीं हुआ, हाथों से घुटने को थोड़ा सा दबा सकते हैं, गर्दन बिल्कुल सामने, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट। आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांसों को गहरा बनाएं और सांस छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे ले आए और इस दूसरे पैर को भी रिलैक्स करें। ओके, कम ऑन टू द लेफ्ट साइड। मैं आपको अपनी तरफ से लेफ्ट दिखा देता हूं, आप वही पोजीशन मेंटेन करें अपने वाली में। क्या ओके, कम ऑन इन द विष्णु आसन। गर्दन को ऊपर उठाएं और इस सिर को बाएं हाथ से सपोर्ट करें,
बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सांस भरते भरते दायां पैर ऊपर उठाएं और इस हील को अपने ग्रोइन के पास रखते, यानी जो थाई का शुरुआत वाला पोजीशन है। दाएं हाथ से इस घुटने को टच करें, थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। सांस भरते भरते बाएं पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर उठा दें, गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। बॉडी स्ट्रेट लाइन, गहरी सांस लेते रहें। एंड रिलैक्स, सांस छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे ले आए और अपने दाएं पैर को भी विश्राम करें, जहां पे भी है वहां पे आप आराम से लेट जाए, लाई डाउन ऑन योर बैक। आंखें बंद रखती हूँ और सांस भरें और रोक के रखें और पूरी बॉडी को टाइट करें। ब्रीथ इन, टाइट योर होल बॉडी, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, मुट्ठियां खींचें, पूरी बॉडी को टाइट करें, आगे से टोज को बाहर की तरफ खींचें, टाइट 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 जितना कर सकते हैं करें अच्छे से। शोल्डर्स टाइट, छाती टाइट, एब्डोमेन टाइट, पेल्विस टाइट, thighs, घुटने, calf muscles and tone and legs. विश्राम करें। Thank you.
आंखें बंद रखते हुए धीरे से अपना ध्यान दोनों पंजों पे ले जाएं, बिल्कुल हिले डुले नहीं, लेटे ही रहे। दोनों घुटने, थाइस, जेनिटल्स, नाभि और पेट का भाग लेटे ही रहें। डोंट ओपन योर आईज, और बंद आंखों से अपना ध्यान वहां वहां लेके जाते रहें। नवीन जी लाई डाउन, छाती पे ले जाएं ध्यान, गला, दोनों कंधे और दोनों हाथ। गला, चेहरा, सिर का ऊपरी भाग और पूरा शरीर। पूरे शरीर को बंद आंखों से देखें। धीरे से दाईं तरफ करवट ले लें। टेक ए टर्न टू योर राइट साइड। आंखें बंद रखें, कुछ देर राइट साइड पे लेटे रहें। अपने हाथ को मोड़ के सिर के नीचे रख सकते हैं। और हाथ का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें, आईज क्लोज्ड। अब हम बहुत ही छोटा सा ध्यान करेंगे, बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट्स ना करें, बिल्कुल स्थिर। जो भी संगीत सुनाई दे रहा है उसके साथ बस मन में ही आनंद की अनुभूति करते जाएं। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। मन में जो भी हो रहा है उसे होने दें। पूरा ध्यान सांसों पे ले जाएं, आती जाती सांसों को देखते रहें।
विचारों को आने दें, उन्हें रोके नहीं, बस विश्राम करते जाएं। मन में जो भी हो रहा है उसे होने देंगे। विश्राम करें। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। Relax in the peace. धीरे धीरे शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। और जब भी आपको अच्छा लगे slowly and gradually you may open your eyes. कैसा लगा? बढ़िया रहा? आज का एक्सपीरियंस आपका थोड़ा और अच्छा होगा, बिकॉज आज आपने सूर्य नमस्कार किया है। सूर्य नमस्कार का एक राउंड 12 आसन करवाता है आपसे। हाँ, 12 आसनास इन वन राउंड, राइट? और हम दो राउंड करते हैं, यानी एक सेट में दो राउंड किए थे, तो हमने टोटली आप देखिए चार राउंड किए थे, दो सेट किए थे, 12 × 48 48 आसनास तो आपने सूर्य नमस्कार में कर लिए, राइट? और बाकी आसना रह गए अलग, तो आज आपने कम से कम 50 आसन किए हैं, राइट? जितना इस शरीर को आप, इसको मैं कष्ट नहीं बोलूंगा, कष्ट तो योगा में होता ही नहीं है, जितना इस शरीर पे आप काम करेंगे ना, इसको खींचेंगे, राइट, उतना ही ये बेनिफिट आपको लास्ट में करने वाला है। वरना अब अगर आपने शरीर को आराम दिया तो फिर लास्ट में ये आपको बहुत दुखी करने वाला है, राइट? इजंट इट? इसलिए समझदार आदमी वो होता है जो
लॉन्ग टर्म गोल देखिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं। शॉर्ट टर्म में तो सबको बेनिफिट दिखता है, किसी का उठने का मन नहीं करता, मैं भी उनमें से हूँ, मेरा मन नहीं करता सुबह उठने का 5 बजे। बट मुझे पता है ये फिलॉसफी कि जिस दिन मैं सो गया तो उस दिन पूरे दिन गिल्ट रहेगा मुझे, हाँ पूरा दिन। तो एंजॉयमेंट तो हुआ 1 घंटे का एक्स्ट्रा नींद का, और गिल्ट हो गया पूरा 23 घंटे का। नो, हम लोग वो काम नहीं करते हैं, इजंट इट। इसलिए जब भी सुबह नींद खुलती है, मन थोड़ा सा कहता नहीं सो जाओ, उठने का मन नहीं कर रहा, सर्दी है, रजाई नहीं छूट रही, तुरंत अंदर से भाव उठाओ कि लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक है, इजंट इट। इसीलिए तो आप देखो हॉस्पिटल्स में कितनी भीड़ बढ़ गई है, आप कितने भी हॉस्पिटल बना लो यहाँ पे वो भरे ही मिलते हैं हमेशा, यस और नो, आपका एक्सपीरियंस है ये। आपके जो भी आपका शहर है उसमें अगर आप होटल खोल लेंगे तो शायद वो ना चले, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे होटल्स हैं, नए वाले कैसे चलेगा। लेकिन हॉस्पिटल आप चाहे कितने भी खोल लो और वो सारे के सारे भरे ही मिलेंगे आपको हमेशा। व्हाट इज द रीजन? वो रीजन यही है, लोगों ने हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखा है, राइट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देखते। यस डन, ओके। चलिए तो आपका टाइम हो गया है 9:10, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले लिया बल्कि आज, कोई कुछ कहना चाहेगा उसके बाद हम लॉग ऑफ करते हैं फिर। शिफाली मैम, ब्रीफली कुछ कहना चाहेंगी आप? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज सुनाई नहीं दे रही, शायद कोई इशू है। आप चैट में लिख दें मैम, आवाज नहीं आ रही। आप सबको सुन रही है मैडम की आवाज? हाँ, मुझे तो नहीं सुन रही यहाँ। हाँ ओके, कोई बात नहीं, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। हम अभी सेशन में थोड़ी देर बाद मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रेनू आंटी, अतर सिंह जी, और भी हमारे, मैं कुछ देख रहा हूँ हमारे साथी हैं, योगा टीचर्स हैं जो अलग अलग पार्ट से, इंडिया से और बाहर से जुड़ रहे हैं अभी, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।